बीसीबी ने किया पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 और 4 ODI मैचों की सीरीज का ऐलान। इस तारीख से शुरू होगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला मुकाबला। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच कब खेले जाएंगे 3 T20 और 4 ODI मुकाबले, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही अपनी घरेलू सरजमी पर क्रिकेट खेल रही है। हालांकि अब पाकिस्तान में PSL का आयोजन होना है। आपको बता दें कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान में PSL का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियों में जुटी है। हालांकि आपको बता दें कि PSL के बाद हमें पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 और 4 मैचों की ODI सीरीज देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि PSL के बाद न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर से पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जहां पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जाएगी। लेकिन खबरें हैं कि PSL के बाद और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हमें पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज होती हुई नजर आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सीरीज के लिए PCB और वेस्टइंडीज बोर्ड के बीच एक मीटिंग हुई है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने PCB से सीरीज के लिए प्रस्ताव रखा है। हमें जल्द ही पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 और 4 ODI मैचों की सीरीज देखने को मिल सकती है। जल्द ही इसके शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि PSL के बाद ही वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। आपको बता दें कि दोनों बोर्डों की सहमति के बाद इसके शेड्यूल का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।